जब मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ती है तो सीपी साहब मैं कह सकता हूं इस बार इस झूठ और लूट की सरकार को बदलने नहीं नष्ट नबूद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। यह किसानों के प्रतिनिधियों की सभा है, यहां के किसानों के माध्यम से हम सरकार में बैठे लोगों से कुछ सवाल करने आए हैं। हम सवाल करने आए हैं मुख्यमंत्री जी, आपके शासन के अब 3 महीने बचे हैं, 3 महीने के बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार का कार्यकाल समाप्त और नई सरकार मत की पेटी से पैदा होगी, आप लोग पैदा करोगे। अभी किसानों की प्रतिनिधि सभा ये पूछ रही है, वो समय याद आ रहा है 4 साल 7.5 महीने पहले का समय, माया छाया उसमें नामांकन भरा जा रहा था राजेंद्र महमूद जी का। मैं जब मंच से उतर रहा था यहां कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैं उस समय सरकार में मंत्री था, कहा मंत्री जी आपके बाद ये जो कांग्रेस पार्टी है इसने वादा बड़ा कड़ा कर लिया, हमारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, हमारे बार कर्ज लेते हैं, सहकारिता का कर्ज को नया पुराना करते हैं, हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। लोगों ने कहा ये कर्ज माफी की बात हमारे दिल को छू रही है। नौजवानों ने कहा नौकरी नहीं है, पर जब तक नौकरी नहीं 10वीं पास 10+2 में पास अगर मैंने कर लिया, नौकरी नहीं तो मेरे घर बैठे 3500 रुपए मिलेगा, कम से कम नौकरी की तलाश में इधर उधर को चला जाऊंगा। लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने कहा पारदर्शी शासन देंगे, पिछली बार लूट और लूट लिया था राजस्थान को, लोग झांसे में आ गए, आज ये प्रतिनिधि सभा सवाल कर रही है। कहा गया वो कर्जा माफी की बात, राजस्थान की विधानसभा में सुभाष जी ने राजे हैं हमने पूछा था, मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2018 तक के अवधि पार फसली ऋण जिन्होंने ले रखा है, किसानों ने कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेंगे। हमें यह तो बता दो किस दिन कितना कर्जा था, सरकार का उत्तर था 99,996 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कर्जा है, हमने क्या माफ कितना किया, बोले 8,400 करोड़। यह संपूर्ण कर्जे की बात कहां चली गई, राज्यसभा के अंदर सीपी जोशी साहब मुझे अभी मैं मंच पर चल रहा था, 3 किसान मिले, तीनों के हाथ में नोटिस थे और कह रहे थे इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे, ये मेरे हाथ में नोटिस है, एक के हाथ में 3,30,000 का नोटिस था, एक के हाथ में 4 लाख का नोटिस था, कह रहे कर्जा लिया था उस समय 50,000 नेशनलाइज बैंक से लिया, केसीसी के आधार पर लिया, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कर्जा माफ करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट करूंगा, कल्ला जी की कमेटी बनाई, वो कल्ला जी की कमेटी अल्लाह के पास चलेगी, मेरे मुंह पर मुझे नोटिस मिला है। इससे बड़ा धोखा कुछ हो सकता है, राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया 19,600 किसानों को जमीन की नीलामी की कुर्की हो गई, मेरे एक प्रश्न में स्वीकार किया, हां भाई ये बात सही है कि 3,49,000 किसानों ने तो नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया था, 6,18 लाख रुपए, ये लिखने वाले लिख लेना अगर मेरी बात झूठी हो, मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरह झूठी बातें नहीं करता।